फिर मेरे पास इतना ज्यादा शूट का कोई मतलब बैकग्राउंड नहीं है। अपने चैनल को नाम देना है, ठीक है, नाम देना है एक पिक। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे काफी सही है, ओप्पो का कैमरा काफी ठीक है, तो इन लाइन्स में आप जा सकते। कैमरे का उसमें आपको 10% 20% असर पड़ेगा, आपकी ग्लो करती है अलग से, जो चमक आती है, तो उससे भी आपको बहुत बहुत। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर पे बड़े ही मजे में होंगे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो होने वाला है सभी बिगनर्स के लिए। जो भी यूट्यूब पर बिगनर है, जिनको नया चैनल स्टार्ट करना है, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी चैनल स्टार्ट करना है, शॉर्ट फीड या फिर लॉन्ग फीड, कोई भी चैनल स्टार्ट करना है, आज का वीडियो सभी उन लोगों के लिए होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव। इन्फॉर्मेटिव क्यों होने वाला है? क्योंकि आज की वीडियो में मैं बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ, जिससे कि आपको अपने YouTube चैनल को ग्रो करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप बिना अमाउंट स्पेंड किए, बिल्कुल जीरो, शून्य अमाउंट में आप कैसे एक YouTube चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। सो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मुझे बहुत दिन से कमेंट्स रिसीव हो रहे थे कि मैम हम लोग भी चैनल शुरू करना चाहते हैं, मैं एक YouTube चैनल शुरू करना चाहती हूँ, बट मेरा बजट नहीं है कि मैं बहुत एक्सपेंसिव कोई फोन खरीदूँ, आईफोन खरीदूँ, रिंग लाइट खरीदूँ, या फिर मेरे पास इतना ज्यादा शूट का कोई मतलब बैकग्राउंड नहीं है, बहुत ही अच्छा कुछ नहीं है। सो उन सब के सवालों के जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है? तो वीडियो को शुरू करते हैं यहीं से। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक यूट्यूब चैनल बनाना है। हाँ जी, एक यूट्यूब चैनल बनाना है। नॉर्मली यूट्यूब पर जाना है और एक चैनल क्रिएट करना है, अपने चैनल को नाम देना है, ठीक है, नाम देना है, एक पिक्चर देनी है। आपके माइंडसेट में क्लियर होना चाहिए कि आप चैनल बना किस चीज के लिए रहे हैं। मेकअप कंटेंट रिलेटेड बना रहे हैं, फूड कंटेंट रिलेटेड बना रहे हैं, व्लॉग कंटेंट रिलेटेड बना रहे हैं, हॉल्स रिलेटेड बना रहे हैं, या कुछ भी, जो भी आप चैनल बनाना चाहते हैं, सबसे पहले तो वो आपके माइंड में क्लियर एंड कट होना चाहिए कि मुझे इस रिलेटेड बनाना है, फैशन फीड में जाना है, फैशन लाइफस्टाइल एंड ब्लॉगिंग उसमें जाना है। जैसे कि मेरा जो चैनल है वो फैशन ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, जिसमें मैं ब्लॉग्स भी डालती हूँ, फैशन की टिप्स भी देती हूँ बहुत सारी, और ब्यूटी रिलेटेड भी बहुत सारा कंटेंट डालती हूँ। तो मेरे माइंड में एक चीज क्लियर है कि मुझे अपने चैनल पे क्या डालना है। तो उसी तरीके से आपके माइंड में भी चैनल बनाने से पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपको क्या बनाना है, आप किस चीज के लिए क्या करना चाहते हो, ठीक है? तो सेकंड चीज हम बात करते हैं, सेकंड बात करते हैं कि चैनल जो है आपने बना तो लिया है, उस पर आपको काम किस तरीके से करना है जिससे कि आप उसको ग्रो करोगे, ठीक है? काम करने के लिए हर कोई सोचता है कि भाई बहुत ज्यादा एक्सपेंस करना पड़ेगा, आपको सामान बहुत ज्यादा चाहिएगा। हर किसी के माइंड में एक ही बात आता है, कैमरा चाहिए, फोन चाहिए, बहुत एक्सपेंसिव आईफोन चाहिए। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आप लोगों को बताती हूँ सबसे पहले कि आपको एक यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए क्या। सबसे पहले आप लोगों को पहली चीज चाहिए, जो कि है एक नॉर्मल कैमरा। जरूरी नहीं है कि आप कोई कैमरा ही खरीदे, या जरूरी नहीं है कि आप कोई मतलब कि ऐसी चीज खरीद रहे हो जैसे कि आईफोन ही खरीदे, कोई भी नॉर्मल कैमरा चल जाएगा, किसी भी फोन का नॉर्मल, जिसकी क्वालिटी थोड़ी बहुत अच्छी हो, इन द सेंस बिल्कुल ब्लर क्वालिटी ना हो, क्योंकि बहुत सारे फोन्स ऐसे आते हैं आजकल जिनकी क्वालिटी बहुत बेकार होती है, और जिनमें मतलब कि आप अलग ही दिखते हो चेहरा, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात। सो आप अगर स्पेंड करना चाहते हो तो आप सैमसंग लाइन में भी जा सकते हो, सैमसंग का कैमरा काफी सही है, ओप्पो का कैमरा काफी ठीक है, तो इन लाइन्स में आप जा सकते हो अगर आप खरीद रहे हो तो। और अगर आपके पास फोन ऑलरेडी है, सो आई डोंट थिंक कि स्टार्टिंग में आपको फोन के लिए या किसी भी एक्स्ट्रा उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? आप अपनी फोन से ही बहुत ही अच्छी क्वालिटी ले सकते हैं। सेकंड चीज होती है लाइटिंग। लाइटिंग आपके चैनल के लिए बिल्कुल 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 प्रायोरिटी रहनी चाहिए, लाइटिंग के बिना कुछ नहीं है, ये चीज मैंने खुद सीखी है। वो कहते हैं ना, जब खुद कुछ काम करते हैं तभी पता चलता है। स्टार्टिंग में मुझे लगा था बस रिंग लाइट लेने से, ऐसे ही करने से,
सब कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी हो जाती है आपके चैनल की, बट नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। लाइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है आपके चैनल बनाने में, आपकी वीडियोस में बहुत सबसे बड़ा रोल होगा लाइटिंग का। लाइटिंग के लिए आपको क्या करना है, लाइटिंग के लिए जरूरी है नेचुरल लाइट, ठीक है। नेचुरल लाइट होगी तभी जो है आपकी वीडियोस में एक क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। कैमरे का उसमें आपको 10% 20% असर पड़ेगा आपकी वीडियोस में, बट 80% 80-90% जो असर पड़ना है वो नेचुरल लाइट का पड़ना है। जितना आप प्रेफर करो कि धूप में शूट करो, जितना अच्छा आप ज्यादा धूप में शूट करोगे उतना ज्यादा आपको उस चीज का जो है हर चीज का कलर खिल के आएगा, हर चीज का नेचुरल कलर आपकी वीडियोस में पता चलेगा। जैसे भी अगर आप फैशन कंटेंट क्रिएटर हो और आप फैशन रिलेटेड, ड्रेस रिलेटेड कोई भी वीडियो बना रहे हो, वीडियो शूट कर रहे हो, तो आप उसको प्रेफर करो कि आप उसको ड्रेस को वेयर करके धूप में पहन के दिखाओ, ताकि उस ड्रेस का जो है वो नेचुरल कलर मतलब कि पब्लिक को पता चले, आपकी ऑडियंस को दिखाई दे। अगर आप ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर हो और आपको भी अपनी स्किन का नेचुरल कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आपको उसको यूज करने के बाद दिखाना है कि इस तरीके से ग्लो कर रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, तो भी आप धूप का यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट रिव्यू के लिए भी। उसमें भी आपकी जो स्किन है वो अलग से ग्लो करती है, अलग से जो चमक आती है, तो उससे भी आपको बहुत 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 अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसको एक बार ट्राई करना बिल्कुल मस्ट है वाला है। ये तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बता दिया मैंने आपको, लाइटिंग का फ्री ऑफ कॉस्ट बता दिया। लाइटिंग का अब आपका जीरो शून्य एक्सपेंड करना पड़ेगा, अब आपको लाइट पे कोई खर्चा नहीं करना। प्रेफर करो कि आप शूट जो कर रहे हो वो दिन में कर रहे हो, अब आपको ज्यादा कुछ एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, आप वो भी कर सकते हो। सेकेंडरी दो चीजें मैंने आपको बता दी, पहला कैमरा आप लोगों के लिए जरूरी है, सेकेंड जो है वो आप लोगों के लिए नेचुरल लाइट जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थर्ड होता है ट्राइपॉड। अगर आप थोड़ा बहुत आपका बजट है कि 500 रुपए तक का आपका बजट है, तो आप वो 500 रुपए तक का कोई भी नॉर्मल ट्राइपॉड खरीद सकते हो, जिसको आप जमीन पे रख सकते हो या कहीं भी इस तरीके से रख सकते हो। बहुत सारी ब्रांड्स है, बहुत सारी कंपनी है जो नॉर्मल ट्राइपॉड बनाती है, जो बहुत ज्यादा मतलब की हैवी रेंज के नहीं होते, 2-3 हजार के नहीं होते, वो अप्रोक्स मेरे हिसाब से जहां तक मेरा आइडिया है 250-300-400 तक आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है ट्राइपॉड मिल जाएगा, जिसमें आप अपना फोन मतलब कि ऐसे होल्ड कर सकते हो। बट इफ यू आर अ बिगनर, अभी आपके चैनल में 100 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, 200 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, मेरा मानना यह, मैंने लास्ट टाइम जब ट्राइपॉड खरीदा था, मेरे पास ट्राइपॉड आया था जब मेरे 500 सब्सक्राइबर हो गए थे यूट्यूब पे तब, ठीक है। मैंने जब सब अपना ट्राइपॉड खरीदा तो मुझे उससे पहले कभी जरूरत ही नहीं महसूस हुई। तो आप भी सेम चीज कर सकते हो जो मैंने कही थी। मैं कहीं भी जाती थी, मुझे किचन का शूट करना होता था तो किचन की सेल्फ पे रख लेती थी, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल सबके घर में मोस्टली आजकल हर किसी के घर में सेल्फी स्टिक सभी के घर में मिलती है। मैंने बहुत लोगों को देखा जिनके घर पे एक नॉर्मल सेल्फी स्टिक मिल जाएगी। तो अगर आपके घर पे एक नॉर्मल सेल्फी स्टिक आपको मिल रही है, तो उसके अलावा तो आपको किसी तीसरी चीज की जरूरत है ही नहीं। आप सेल्फी स्टिक से भी बहुत अच्छे ट्राइपॉड की तरह उसको यूज कर सकते हो, और मतलब उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर उसमें भी आपके पास सेल्फी स्टिक भी नहीं है, तो मैं क्या करती थी, मैं कहीं भी रख देती थी, बेड साइड कॉर्नर पे रख देती थी। अगर रूम का शूट करना है तो कोई भी ऐसा कॉर्नर पकड़ लेती थी जिससे मेरा पूरा रूम मतलब एक्सप्लोर हो, पूरा रूम दिखाई दे। तो इस तरीके से आप भी उसको पकड़ सकते हो, मतलब कि कोई भी ऐसी जगह है, जैसे किचन का शूट करना है तो किचन में, या फिर कुछ भी ऐसा, ठीक है। ट्राइपॉड नहीं ले सकते तो ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए टिप है, ठीक है, जो कि जुगाड़, हम इंडियंस बहुत ज्यादा जुगाड़ करते हैं, तो इस तरीके की जुगाड़ आप भी कर सकते हो। और मैं थर्ड थिंग, चैनल को रेगुलर बनाए रखने के लिए, चैनल बनाया है भाई, आज बना लिया चैनल, तो अब मुझे क्या करना है, लोगों को पता ही नहीं होता। काफी लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने चैनल तो बना लिया, आज मैंने चैनल बना लिया, ठीक है। जैसे मैं अपने एग्जांपल देती हूँ, मैंने चैनल बना लिया, आज मैंने एक वीडियो पोस्ट कर दी, उसके बाद मैंने उसको एक महीने तक छेड़ा ही नहीं, मेरे को यही नहीं पता कि मुझे आगे करना क्या है, ठीक है, मैं उसको छेड़ती नहीं। उसके बाद भाई मुझे फिर धीरे धीरे पता चला कि अगर मैं इसके साथ काम नहीं करूंगी तो ग्रो कैसे करेगा। तो सेम थिंग, आपको अपना कंटेंट जो है वो एडवांस में शूट करके रखना है, 1 वीक का, 2 वीक का, 3 वीक का एडवांस में शूट करके रखिए, ताकि आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो। एक आधा दिन आप कंटेंट शूट नहीं करते तो फिर आपका चल जाए, ठीक है। थर्ड थिंग,
लाइटिंग का मैंने बता दिया, कैमरा का आपको बता दिया, ट्राइपॉड का मैंने बता दिया है, ठीक है। तो आप फोर्थ थिंग की बात कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है, कंटेंट आपको एडवांस में शूट करके रखना है, जो कि आपका कंटेंट होगा जो भी उसका आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ थिंग जो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको चैनल किस चीज के लिए बनाना है। तो अब मैं आपको सिक्स थिंग के बारे में बताती हूँ कि काफी लोग बोलते हैं हमारे पास बैकग्राउंड नहीं है, हम कहाँ बनाएं। अगर आपको कोई भी खड़े होकर बनाना है, हमारे पास इतना एक्सपेंस नहीं है, हम बहुत ही ज्यादा ऐसे करें, तो मैं आपको बताती हूँ बैकग्राउंड के लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत ही नो कॉस्ट वाला बता दूं, थोड़ा सा कॉस्ट वाला भी बता देती हूँ, आपको जो प्रेफर लगे आप वो कर सकते हो, ठीक है। पहले बताती हूँ नो कॉस्ट वाला, कोई भी एरिया लेना है अपनी छत पे जहां पर धूप आती है, अच्छी खासी धूप आती है। एक आपने वॉल उठा ली, पर्टिकुलर वॉल कि ये मेरे शूट के लिए है, ठीक है। इफ पॉसिबल आप सिर्फ उस एरिया को एक भाई उस एरिया को बिल्कुल क्लीन कर दो, बिल्कुल क्लीन। सफाई तो हम लोग कर सकते हैं, उसमें कौन सा हमारे पैसे लगने हैं, उस एरिया को पर्टिकुलर क्लीन कर लो और वहां पे शूट करो, सिंपल इंक्रीज करते सकते हैं। सेकेंड मैं आप लोगों को बैकग्राउंड के लिए बता देती हूँ कि अगर आपको चाहिए कि आप सबसे सटल रखना चाहते हैं तो आप एक व्हाइट बैकग्राउंड रखिए। व्हाइट बैकग्राउंड रखना बहुत ही ज्यादा ईजी है, मार्केट में ये पोस्टर्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और मेरे अकॉर्डिंग तो ना बहुत सस्ते रेट्स पे अवेलेबल हो जाते हैं, या फिर आपके घर पे कोई भी सस्ता सा मतलब पोस्टर पड़ा हो किसी भी। आजकल तो इतने ज्यादा पोस्टर होते हैं, पोस्टर मीन इन द सेंस बड़े वाले पोस्टर्स नहीं आते, जो बैनर्स होते हैं उनके, उनका जो बैक पार्ट होता है वो वाइट होता है, आप उसको यूज कर सकते हो, अपनी वॉल पे स्टिक कर लो ऐसे उल्टा करके, कोई वॉलपेपर ऑर्डर कर दो सिंगल के, एक छोटी सी मतलब अपना पर्टिकुलर शूट का एरिया उससे वो कर सकते हो, कवर कर सकते हो। अदरवाइज आप एक कर्टन का भी यूज कर सकते हो, पर्टिकुलर एक कर्टन जो है वाइट कलर का अपनी दीवार पे लगा दो, दैट्स इट, आपका बैकग्राउंड रेडी है। आपको अगर आप भाई पौधे हर किसी के घर में होते हैं, अपने बैकग्राउंड में एक पौधा ऐड कर लो, जिससे कि आपकी वीडियो की जो है ब्यूटी एनहांस हो जाएगी और आपका बैकग्राउंड रेडी है। तो इतना ज्यादा भाई, इससे ज्यादा सस्ता जुगाड़ कोई नहीं बताने वाला, ठीक है। तो मैंने आपको वो भी सस्ता जुगाड़ बता दिया, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा कैसे कैसे यूट्यूब चैनल बनाना है, कैसे कैसे नहीं बनाना है। जो भी क्वेश्चन अगर रह गए हैं किसी के भी, तो प्लीज मुझे जल्दी से कमेंट डाउन करके बताना। और हाँ, मेरी इस ग्लो करती त्वचा का राज जानना है तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है गोयल भावना। आपको सारी टिप्स अच्छी लगी होगी, एक बार रिपीट कर देती हूँ आप लोगों के लिए। पहली, बहुत अच्छा कैमरा की जरूरत नहीं है आपको, एक कोई नॉर्मल सा कैमरा लेना है। दूसरी, नेचुरल लाइट का यूज करें ताकि आपका जो है लाइटिंग का खर्चा बच जाए। अगर आपको आगे जाके एक्सपेंड करना है, थोड़ा बहुत स्पेंड करना है, पैसा खर्च करना है, तो आप एक नॉर्मल सी रिंग लाइट ले सकते हैं। थर्ड थिंग के लाइटिंग का यूज करना है, थर्ड थिंग के अपना कंटेंट एडवांस में शूट करके रखना है, फोर्थ थिंग ट्राइपॉड लेना है, तो ट्राइपॉड के लिए मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जो भी अगर मुझे सही लगेगा तो आप वो ट्राइपॉड खरीदना चाहे तो वो ट्राइपॉड खरीद सकते हैं, बहुत ईजी है, उसको कैरी करना भी बहुत ईजी होगा और जमीन पे रखे या कहीं भी रखे आप उसको शूट कर सकते हैं, तो ट्राइपॉड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। फिफ्थ थिंग की आपको बैकग्राउंड कैसे क्रिएट करना है वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ, मैंने आपको 6 से 7 टिप्स बता दिया भाई। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं से। आई होप आप लोगों को मेरी जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी, और 2-4 क्लिप्स जो मेरे पास होंगी बैकग्राउंड्स की या कुछ भी इस तरीके का मेरे बैकग्राउंड का, वो मैं क्लिप कट करके आपको साइड में अपनी मतलब कहीं ना कहीं लगा दूंगी पूरी वीडियो में, तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि मैं किस तरीके से क्या चीज बोल रही हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं से, आपसे मिलूंगी जल्दी नेक्स्ट वीडियो और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय श्री श्याम।